हाय दोस्तों, जैसे कि दोस्तों आपने टॉपिक देख लिया होगा, ये हेल्पिंग एंड है, हेल्पिंग एंड आईटीआई, हेल्पिंग एंड एनसीबीटी, इंग्लिश हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम का दोस्तों मैंने आपको वीडियो मैंने बना दिया है, वो दोस्तों आपको इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो दोस्तों मैंने जैसे कि मैंने कहा था कि मैं लॉकडाउन के बाद एक बुक लाने वाला हूँ पेंटर जनरल के लिए, वैसे मेरी भी बुक थी, पहले भी मैंने डाल रखी है, बट ये अपडेट करके अपडेट वर्जन है। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा हिंदी में, जैसे कि आप दोस्तों देख रहे हो पेंटर जनरल एनसीबीटी एमसीक्यू फर्स्ट एंड सेकंड ईयर सेलेक्टेड क्वेश्चंस होंगे, ऑल गवर्नमेंट एग्जाम। ये बुक लेने का मकसद दोस्तों यही है कि आपके दोस्तों कि आईटीआई से लेकर दोस्तों आपके गवर्नमेंट एग्जाम तक फुल सोल्यूशन देगा दोस्तों। ये आपके इसमें थ्योरी बेस्ड भी क्वेश्चन होंगे और इसमें दोस्तों आपके एमसीक्यू करीब करीब 2500 क्वेश्चन होंगे एमसीक्यू, ठीक है, और बाकी थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन होंगे 800 तक, जितने भी दोस्तों आपको मैं इसमें दिखाऊंगा। तो दोस्तों कुल ये बनी पड़ी है 300 पेजों की कुल ये बुक है दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो इतनी मोटी है, आपको मैं दिखा देता हूँ एक मिनट, इतनी मोटी है, ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हो। और इसमें जितने भी कंटेंट्स है दोस्तों मैं उसको आप एक एक करके दिखाऊंगा। ये इंग्लिश की बुक जैसे कि आप देख रहे हो, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों पे मेरे पे दोस्तों ये दोस्तों इसकी वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, आप देख लेना, ठीक है। तो दोस्तों ऐसी वीडियो मैं लाता रहता हूँ पेंटर जनरल वालों को, प्लीज़ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों शेयर करें इस वीडियो को दोस्तों, पेंटर जनरल स्टूडेंट के लिए दोस्तों काफ़ी हेल्पफुल है ये। तो हम शुरू करते हैं दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हो, तो जैसे कि मैंने ये मेरा नंबर है दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हो इस पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है, इसमें मेल कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। इसका बनाने का पर्पज़ एक ही है दोस्तों, अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करवाना पेंटर जनरल वालों के लिए। तो दोस्त जैसे कि हम देखते हैं बहुत ही अच्छी क्वालिटी में बना पड़ा है दोस्तों, जैसे ग्लोजी पेपर होता है काफ़ी अच्छी क्वालिटी का ये, ठीक है, ये काफ़ी इसमें जैसे कि दोस्तों डिस्क्लेमर देख सकते हो, नोट केवल शिक्षा के उद्देश्य से दोस्तों ही। तो इस हमारा इस क्वेश्चन बैंक बनाने का उद्देश्य यही है कि पेंटर जनरल वालों के लिए एनसीबीटी छात्रों को अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करवाना है, और क्वेश्चन में अब तक आ चुके सारे पेंटर जनरल के एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन और स्टेट से संबंधित क्वेश्चन उपलब्ध हैं। स्टेट से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं, आशा करते हैं कि इसमें वो बैंक अच्छा साबित हो सकता है। और इस क्वेश्चन बैंक में अगर आपको कोई भी क्वेश्चन डाउट होता है दोस्तों हमें संपर्क कर सकते हैं, और कुछ नया सुझाव देने के लिए दोस्तों हमें आप संपर्क कर सकते हैं, और समय समय पर ये क्वेश्चन बैंक दोस्तों अपडेट कर दिया जाता है, ठीक है, समय से, ये नहीं दोस्तों बनाने के बाद छोड़ दिया दोस्तों। जितने भी दोस्तों अपडेटेड जो होंगे दोस्तों आपको मिलता रहेगा और ये बुक अपडेट होती रहेगी, और जो भी इसको दोस्तों परचेस करेगा उसको व्हाट्सअप पे या ईमेल के द्वारा या इन्फॉर्मेशन कॉन्टैक्ट में हमें हमारे रहना और चैनल के माध्यम से दोस्तों अपडेट मिलता रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो अब हम देखते हैं कि ये कंटेंट्स क्या क्या हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों इंग्लिश वाली बुक में आप देखा था 4 कंटेंट्स होंगे, कलर कोड होंगे दोस्तों, इंडस्ट्रियल लेवल पर पेंट ऑफ ब्राइटनेस क्वेश्चन होंगे दोस्तों, इन्फॉर्मेशन रिलेशन बिटवीन NPS, ठीक है, और NB और OD, ठीक है, आउटसाइड डायमीटर MM और इंचेस में क्या क्या फ़र्क होता है, वर्ड मीनिंग होंगे दोस्तों पेंटर जनरल के रिलेटेड होंगे, A to Z होंगे जिसमें, ठीक है, जितने भी पेंटर से क्वेश्चन आते हैं या कोई भी वर्ड होता है तो उसमें दोस्तों A to Z वर्डिंग मीनिंग होंगे हिंदी में होंगे, ठीक है। और जैसे कि देख सकते हैं ये पेंटर जनरल NCVT, तो अभी बेस थोड़ी बेस इन्फॉर्मेशन होगा दोस्तों, थोड़ा सा हिस्ट्री ऑफ पेंट के बारे में, हिस्ट्री ऑफ पेंट के बारे में, ये थोड़ी इंग्लिश से अलग है थोड़ी सी, और तो हिस्ट्री ऑफ पेंट, सेफ्टी ऑफ मटेरियल, ठीक है दोस्तों, और पेंटर जनरल NCVT ऑल इंडिया लेवल्स फर्स्ट टू सेकंड ईयर ईयरली क्वेश्चंस होंगे इसमें, ठीक है। पेंटर जनरल NCVT टॉपिक सरफेस प्रिपरेशन और कॉडोसिन, डिफाइन द पेंट डिफेक्ट्स होंगे दोस्तों, पीलिंग वीलिंग वगैरह जितने भी होते हैं, सीलिंग वगैरह, पिकलिंग वगैरह, ठीक है, ये जितने भी, सॉरी पिकलिंग डिफेक्ट नहीं है तो वो है, ठीक है, तो डिफेक्ट जितने भी होते हैं, पिलिंग वगैरह, और ये पेंट ऑफ जनरल, पेंटर जनरल NCVT टॉपिक थोड़ी मिक्स रिले क्वेश्चन होंगे इसमें दोस्तों, और पेंटर जनरल टॉपिक पेंट ऑफ परसेसिव कॉन्सेप्ट आइडेंटिफाई शॉर्ट क्वेश्चन होंगे दोस्तों, पेंटर जनरल मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन होंगे, वर्कशॉप कैलकुलेशन के ऊपर मैंने 100 क्वेश्चन डाल दिए इसमें, बहुत सारे क्वेश्चन, क्योंकि दोस्तों पेंटर जनरल एग्जाम से काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं। लास्ट में देखते हैं दोस्तों टेस्ट सीरीज क्वेश्चन होंगे दोस्तों, और इसके अकॉर्डिंग भी आप में बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है दोस्तों। और जैसे कि आपने देख जैसे कि दोस्तों देखा पाइप एंड कलर कोड से तो कुछ ऐसे होंगे दोस्तों, ठीक है, इस सब्सटाइन से कलर कोड है, वाटर का सी या ग्रीन होता है, स्टीम का एल्यूमिनियम होता है, ठीक है, तो ऐसे करते करते कुछ दोस्तों इसमें होंगे सारे,
ठीक है। आगे चलते हम थोड़ा, ये दोस्तों देख लेते हैं हम, जैसे कि पेंट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ फार्मूला गाइडलाइंस को वेट WFT, तो वेट फिल्म थिंगनेस दोस्तों होगा ये, ठीक है। और DFT क्या होता है, तो टायर फिल्म थिंगनेस होता है, WF वेट फिल्म थिंगनेस एरिया। ये दोस्तों इसको डिफाइन कर रखा है, ठीक है दोस्तों। ये फार्मूले कुछ दोस्तों आपके गाइडलाइंस बहुत काम आएंगे आगे पेंट शॉप वगैरह में। और इन्फॉर्मेशन टॉपिक रिलेशन बिटवीन NPS NBOD और पाइप MM डायमीटर जो भी होगा दोस्तों, ये नॉर्मल पाइप साइज होता है NPS, ठीक है, इंचीज में होता है, सारे इंचीज में। और DN MM होगा दोस्तों ये आउटसाइड डायमीटर, ठीक है। जो पाइप होती है, मान लो दोस्तों 2 इंच की पाइप है, इसका जो डायमीटर है वो DN है, ठीक है, इसका होगा 50 होगा, ठीक है। और इसका आउटसाइड डायमीटर होगा 60.3 होगा। तो ऐसा करके कि पाइप की जितने भी सर्टिफिकेशन होते हैं, इसे मैंने कुछ ले रखा है इसमें, ठीक है। ऐसे करते करते कुछ है इसमें, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो ये काफ़ी हैं जितने भी होते हैं, ठीक है। और ये हम आ जाते हैं दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हो पेंटिंग वर्ड मीनिंग होंगे, जैसे कि आप देख एडिशन में क्या होता है, लिशीलापन होता है, आर्टिकल में वस्तु होते हैं, एंटी रेस्ट होता है, जंगरोधी होता है, एंगल होता है, ये आर्ट करते हैं दोस्तों। ऑटो बेकिंग क्या होता है, वाइंडर क्या होता है, बेस क्या होता है, ब्रश क्या होता है, बंडल क्या होता है, ब्लास्ट क्या होता है, बॉन्ड क्या होता है दोस्तों, इसमें सब कुछ हुआ दोस्तों, काफ़ी बहुत सारे डाल रखें, A to Z का मतलब 250-300 डाल रखें इसमें, ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हो ये, ठीक है। और इसमें दोस्तों सारे वर्ड मीनिंग होगी, वर्ड मीनिंग का मतलब दोस्तों आपको क्वेश्चन, आपको सॉल्यूशन, आपको एक क्वेश्चन जो होता है दोस्तों, आपको उसको मीनिंग समझ में आ रहा है तो आसानी से आप कर सकते हो, ठीक है दोस्तों, ठीक है। ऑक्साइड वगैरह जितने भी होते हैं दोस्तों, ये सारे होंगे दोस्तों, ये जितने भी, ठीक है। जैसे कि दोस्तों देख सकते हो प्लॉथिन क्या होता है, प्लास्टिक होता है, ये प्रिंटिंग क्या होती है, तो सारे जितने भी पेंटर रिलेटेड, पेंटर जनरल से रिलेटेड होगा सारा, ठीक है। और ये जैसे जिंक जेड तक है दोस्तों इसमें। अब दोस्तों हम आते हैं इस पर थोड़ा सा नज़र मार लेते हैं, पेंटर जनरल इंपॉर्टेंट थोड़ी बेस इन्फॉर्मेशन होगी दोस्तों। इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हमारी क्या है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ पेंट, ठीक है दोस्तों। तो जैसे कि हम जानते हैं, तो कुछ इसके अकॉर्डिंग ये ज़्यादा कुछ नहीं है, ये कम है। और पेंटिंग देखो, पेंटिंग से पूर्व सतह को तैयार करना दोस्तों, जिंक फॉस्फेट बनाने की प्रक्रिया क्या होती है, पेंट क्या है, ठीक है दोस्तों। पेंट की परिभाषा दोस्तों, जैसे कि आम भाषा में पेंट एक ऐसा तरल पदार्थ है जो कि जब किसी तरल पर लगाया जाता है वह उसी सतह की एक हिस्सा बन जाता है और जिसे अलग नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो व्हाट इज़ पेंट क्या होता है, तो आप ये क्वेश्चन बोल सकते हो। ये बाकी बुकों में दोस्तों क्वेश्चन नहीं होंगे, मैंने काफ़ी इस पर मेहनत की, पेंट विभिन्न श्रेणी डिफाइन हो कैटेगरीज पेंट, ठीक है, अंतिम प्रयोग के अनुसार वर्गीकरण, फाइनल सर्टिफिकेशन, ठीक है, रंगों के अनुसार वर्गीकरण, ठीक है, रंगों के अनुसार ग्लॉस, चमक के अनुसार वर्गीकरण आप जानते होंगे, ठीक है। तो ऐसा ऐसा करते करते दोस्तों बहुत सारे इसमें पेंट क्या है, पेंट प्रोसेस क्या है, तो इसमें काफ़ी सारे हैं दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो प्रोसेस कंट्रोल क्या है, तो सारा कुछ होगा ये ज़्यादा। बाइंडर क्या होता है, तो एक जैसे कि पिगमेंट क्या होता है, पिगमेंट के बारे में लिखा है दोस्तों, जैसे कि बाइंडर क्या होता है, बाइंडर के बारे में लिखा पड़ा, सब कुछ होगा दोस्तों इसमें, जैसे कि आप जानते हैं। तो जैसे कि लिफ्टिंग क्या होता है, विस्कोसिटी क्या होती है, विस्कोसिटी परिवर्तन, फ्लोटेशन क्या होता है, स्टैटिन क्या होती है दोस्तों, स्किलिंग, ये स्किनिंग क्या होती है, ठीक है दोस्तों, ये लिफ्टिंग क्या होती है, सब कुछ होगा दोस्तों इसमें जितने भी हैं। तो ये ज़्यादा नहीं थे दोस्तों, ये 22 पेजों की थी, प्राथमिक उपचार क्या क्या जितने भी हैं दोस्तों, सारा आपको मिल जाएगा, कहीं जाने की आपको जरूरत नहीं है। और जैसे कि हम दोस्तों देख सकते हैं पेंटर जनरल इंस्टीट्यूट ऑल इंडिया लेवल से क्वेश्चन होंगे, पार्ट 2, बेस्ट पाइपलाइन का रंग क्या होता है, सी काला होता है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से, ये सारे क्वेश्चन दोस्तों ये NCVT पे हैं दोस्तों, जैसे कि मैं वीडियो डालता रहता हूँ दोस्तों, तो कुछ इस तरह के दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हो ये सारे क्वेश्चन होंगे दोस्तों इसमें, बहुत सारे क्वेश्चन ये दोस्तों करीब ऐसे करते हैं, बहुत से क्वेश्चन हैं सारे दोस्तों, सिलेक्टेड क्वेश्चन होंगे, NCVT पे कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं होगा दोस्तों। जैसे कि दोस्तों देखते हुए 300 कुछ थे, आप दोस्तों हम आ जाते हैं इस पर। ये दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हो ये पेंटर जनरल, ये थोड़ी बेस क्वेश्चन डिफाइन ऑफ पेंट एंड डिफेक्ट के क्वेश्चन होंगे, देखते हो सरफेस को जंग से बचाने के लिए कौन सी प्रक्रिया, एंटी कोरोशन ट्रीटमेंट अपनाई जाती है, रेड ऑक्साइड पर लगाया जाने वाला प्राइमर है, लोहे के सरफेस को रेड ऑक्साइड के बाद भी फाइनल, बहुत से क्वेश्चन ऐसे दोस्तों इसमें, आपको ग्लव जाइनिंग यानी MS क्या है, अगर दोस्तों कुछ आप मांगते हो इसका सैंपल मैं आपको भेज दूंगा, आप उसमें देख लेना, आपको इसमें अगर क्लियर ना आ रही हो। DFT क्या होता है, डोज पर विस्कोसिटी में लगभग कितना मिलीमीटर रहता है, तो 100 mm DFT क्या होता है, तो टायर फिल्म थिंगनेस होती है दोस्तों, सब कुछ होगा दोस्तों इसमें। NCVT के माध्यम से कौन सा होता है, NC नहीं होता है,
मशीन में पेंट करके किसमें किया जाता है, जहाज़ पेंट करने के लिए। दोस्तों जैसे कि आप देख, बहुत से क्वेश्चन हैं इसमें, ठीक है। और जैसे कि हम देखते हैं कासावी सी, कुछ थोड़ी बस क्वेश्चन थे, एमसीक्यू मैंने आपको दिखा दिए, ठीक है। ये फिर हो गए स्टार्ट दोस्तों, एमसीक्यू स्टार्ट हो गए, ठीक है। तो एमसीक्यू स्टार्ट हो गए, जैसे कि आप देख रहे हो ये सारे एमसीक्यू क्वेश्चन है सारे, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हो, ये देख रहे हो, देखो नंबरिंग देख लो दोस्तों, 88, 100, ठीक है, ये 309, ठीक है। जैसे दोस्तों 315 पहले, 315 फिर 315 फिर क्वेश्चन थोड़ी बेस क्वेश्चन, फिर हो गया दोस्तों आपका ये होस पाइप किससे बनाई जाती है दोस्तों, ये प्लोरथ्योरीन रबर से जिससे, ठीक है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन होंगे इसमें, शॉर्ट क्वेश्चन है दोस्तों ये सारे, ठीक है। कहीं जाने की दोस्तों ज़रूरत नहीं है दोस्तों, पेंटर जनरल वालों के लिए काफ़ी अच्छा मटेरियल मैंने आपको दिखाया दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देख ये दोस्तों, ये आगे आपके एमसीक्यू क्वेश्चन आगे पूछिए, बहुत सारे क्वेश्चन आप जब लोगे दोस्तों, जब भी आपको समझ में आएगा, देख सारे क्वेश्चन होंगे दोस्तों इसमें, सारे जितने भी क्वेश्चन होते सारे होंगे इसमें। जैसे कि आपने देख ही लिया दोस्तों, मैंने आपको पूरी बुक दिखा दिया, ठीक है। ठीक है दोस्तों, ये कहीं नहीं जाने वाली दोस्तों, ये कहीं नहीं जाने वाली, आपकी आराम से कहीं भी रख सकते हो, कहीं भी कुछ भी कर सकते हो, बहुत ही स्मूथली है। जैसे कि दोस्तों देख सकते हो आप, ये आपको मैंने दिखाई दिया, ये इंग्लिश मीडियम आपको, ये मैंने इंग्लिश मीडियम, ये हिंदी, ये इंग्लिश हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, ठीक है दोस्तों। तो जिस भाई को भी चाहिए प्रीसेस करनी हो, ठीक है, वो मुझे कांटेक्ट कर सकता है, मेरा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, ये रहा मेरा व्हाट्सअप नंबर दोस्तों, 8587919523 मेल आईडी मिल जाएगी। तो जिस भाई को भी चाहिए, ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू वॉचिंग फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।